तो हेलो दोस्तों, अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं बट आपने बजट कम रखा है और परफॉर्मेंस में कुछ भी कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैंने बताया है 5 ऐसे स्मार्टफोन जो कि आप बाय कर सकते हैं और 10K की बजट के अंदर है। और ये सारे स्मार्टफोन को मैंने कैटेगराइज किया है सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर के अकॉर्डिंग, जो कि है परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर कोई भी एक न्यू स्मार्टफोन आप लेने वाले हैं तो। ये दोनों फैक्टर के अकॉर्डिंग ये आपको लेना बहुत ही जरूरी होता है। कौन से होने वाले हैं ये स्मार्टफोन बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो गाइस 5th नंबर मैंने जो स्मार्टफोन रखा है वो है Redmi 9 Prime। इसमें आपको 6.53 इंच का HD+ डिस्प्ले मिल जाता है और साथ ही साथ प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर मिलता है जिसमें आपको गेमिंग ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस दे देती है। और इसमें जब वेरियंट बात करें तो 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आपको ये देखने को मिलता है और 13 MP का कैमरा, साथ ही साथ अल्ट्रा वाइड और इसमें मैक्रो लेंस का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो इसमें 8 MP का कैमरा मिलता है। और जब बात करते हैं बैटरी की तो 5020mAh की बैटरी मिलती है। इसके साथ 10W का फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है। इस स्मार्टफोन को मैंने 5th पोजीशन पे इसलिए रखा है क्योंकि इसको जब आप हैंडल करते हैं तो बहुत चीप फील करता है और साथ ही साथ इसकी जो UI है उसमें एड्स की वजह से इसको मैंने 5th पोजीशन पे रखा है। बात करें इसके प्राइस की तो ये आपको 999 में अवेलेबल हो जाता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 4th पोजीशन पर रखा है Realme Narzo 30A को। इसमें आपको 6.5 इंच का मिनी ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और प्रोसेसर की बात करें तो Helio G85 मिलता है जो कि एक काफी अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है। और 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ये आपको देखने को मिल जाता है और 13 MP का आपको रियर कैमरा मिलता है जो कि एक डुअल कैमरा रहेगा और फ्रंट कैमरा आपको 8 MP का मिलता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 6000mAh की बैटरी मिलती है और 18W का फास्ट चार्जर इसके साथ आपको मिलता है। और प्राइस की बात करें तो ये भी आपको 999 में अवेलेबल हो जाता है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस 3rd नंबर मैंने जो स्मार्टफोन रखा है वो है सैमसंग गैलेक्सी का M02S। इसमें आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिल जाता है और प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें स्नैपड्रैगन का 4th जनरेशन प्रोसेसर आता है जो कि स्नैपड्रैगन 450 है और इसमें गेमिंग बहुत ही सही चलने वाला है। और वेरिएंट की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आपको मिलता है। कैमरा आपको इसमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 13+2+2 MP का रहता है और फ्रंट कैमरा इसमें आपको 5 MP का मिल जाता है। और बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी मिलती है और 15W का फास्ट चार्जर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस काफ़ी सही होने वाली है बिकॉज ऑफ द स्नैपड्रैगन 450 जो कि काफी सही परफॉर्मेंस देती है स्नैपड्रैगन 6th जनरेशन प्रोसेसर के कंपैरिजन में। और वहीं बात करें इसके प्राइस रेंज की तो ये भी मोबाइल आपको 999 में अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं 2nd नंबर मैंने कौन सा स्मार्टफोन रखा है, वो है Realme C25। इसमें आपको 6.5 इंच का एक HD डिस्प्ले मिल जाता है और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek Helio G70 मिलता है जो कि एक बहुत अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है। और इसमें वेरियंट की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिलता है और ट्रिपल कैमरे का इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है जो कि 13 MP+2+2 का आपको इसमें मिल जाता है सपोर्ट। और फ्रंट कैमरा इसमें आपको 8 MP का मिलता है। और बैटरी की बात करें तो 6000mAh की बैटरी मिलती है और साथ ही साथ 20W का फास्ट चार्जर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और बात करें इसके प्राइस रेंज के बारे में तो ये भी आपको 999 में अवेलेबल हो जाता है, लिंक मैंने सारे स्मार्टफोन की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो चेक करना मत भूलिएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि 1st नंबर मैंने कौन सा गेमिंग स्मार्टफोन रखा है, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल कि कोई और ब्रांड इतना कुछ आपको प्रोवाइड कर सकेगी इस प्राइस रेंज के बारे में। तो उस स्मार्टफोन का नाम है Motorola G10। इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको 4th जनरेशन स्नैपड्रैगन 460 मिलता है जो कि आप कंपेयर
कंपेयर करें अगर 6th जनरेशन स्नैपड्रैगन के, तो एज इट इज सेम थोड़ा रिस्पांस आपको दे देता है परफॉर्मेंस में, और अगर उसमें आप गेमिंग करते हैं तो काफ़ी फास्ट ग्राफिक रेंडर होता है जो कि आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस मोबाइल का इंक्रीज करता है। और इसमें आपको एंड्रॉयड 11 के साथ मिलता है और IP52 की रेटिंग भी इस स्मार्टफोन के साथ आपको मिल जाती है। और वहीं बात करते हैं इसकी वेरिएंट की, तो आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ मिलता है। और कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा आपको मिलता है विथ नाइट विजन, और फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। तो ओवरऑल बात करें तो इसमें आपको एक कैमरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही देखने को मिल रही है। और बैटरी की बात करें तो 6000mAh की बैटरी मिलती है और 20W का एक फास्ट चार्जर आपको इस मोबाइल के साथ मिल जाता है। और फिर अगर हम बात करें कि इसकी प्राइस रेंज के बारे में, तो ये भी आपको 9999 में अवेलेबल हो जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो गाइज जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी प्राइस रेंज और इसमें आपको जो भी प्रोवाइड कर रहा है ये स्मार्टफोन, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनफ है और आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन देख रहे हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये हो सकता है आज की वीडियो का। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है, पार्टिसिपेट करने के लिए टॉप वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरी वीडियो पे क्लिक करके एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कौन सा माइक प्रोफेशनल रह सकता है बजट में, उसके बारे में एक मैंने वीडियो बनाया है वो देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।